वालेकुम, कैसे हैं सब दोस्त। उम्मीद करता हूँ कि सब दोस्त खैरियत होंगे, फिट फाट होंगे और अपने बर्ड्स की भी अच्छे से टेक केयर कर रहे होंगे। वेलकम करता हूँ मैं अपने यूट्यूब चैनल एच बी बर्ड पर, और साथ ही साथ आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दिए गए बेल आइकन पर क्लिक कर लें। दोस्तों, जो आज आपके साथ बात शेयर करनी है वो एग बाइंडिंग के ऊपर है। ये आप सामने फीमेल देख सकते हैं, ये मैंने फील किया एक दो दिन हो गए मैं देख रहा हूँ इसको कि काफ़ी सुस्त हो गई है। देन मैंने इसको चेक किया तो मुझे पता चला कि इसको एग बाइंडिंग हो गई है। तो मैं पहले सोचा कि मैं खुद ही एग निकालूँ, लेकिन मैंने फिर सोचा कि आप दोस्तों के साथ ये भी इन्फॉर्मेशन शेयर की जाए, ये भी अपना एक्सपीरियंस शेयर किया जाए, ताकि नेक्स्ट कोई अगर मेरी वीडियो देखे तो उससे उसका भला हो जाए। तो इंशाल्लाह अब अंडा निकालेंगे, अब हम फीमेल को पकड़ लेते हैं, देन आपको मैं दिखाता हूँ। अच्छा, तो आप दोस्तों ये फीमेल देख सकते हैं, मैंने फीमेल को पकड़ लिया है और ये थोड़ा सा इसकी हालत अभी थोड़ी सी बेहतर है, लेकिन काफ़ी हालत ख़राब थी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना अब एग निकाल दिया ताकि फीमेल हमारी एक्सपायर होने से बच जाए। आप सब दोस्तों ने कोशिश करनी है कि एग अंदर ना टूट जाए, अगर एग अंदर टूट गया तो फिर भी आपकी फ़ीमेल एक्सपायर होने का चांस है। तो हम कोशिश कर लेते हैं अंडा निकालने की, इंशाल्लाह हम अपने इस प्रोसीजर में कामयाब रहेंगे। तो सबसे पहले आपने करना ये है कि आपने कोई भी कोशिश करें सरसों का या ऑलिव ऑयल ले लें, तो दो से तीन कतरे इसकी वेंट पर लगाने हैं और कोशिश करनी कि तेल अंदर तक चला जाए। मैं अपने भाई की मदद ले लेता हूँ। बुरा रहा, अच्छा ये देखिए मैंने तेल डाल दिए, अब अंदर चले जाएगा। अच्छा, आपने अंडे की ना पोजीशन सेट करनी है, अब चेक करना है। ये देखें, ये मुझे फील हो रहा है ये अंडा, ये तो कोशिश करते हैं, कोशिश करनी कि आप अंडा अंदर ना टूटे। राम राम से प्रेस करना है, थोड़ा सा ऑयल ऑयल ले लेते, ऑयल मुझे कम लग रहा है। ऑयल लगाने से ये फ़ायदा होगा, अंडा आसानी से बाहर आ जाएगा। बस आपने इस चीज़ को तैयार करनी है कि आपका अंडा हरगिज अंदर ना टूटने पाए। अगर आपका अंडा अंदर टूट गया तो आपकी फीमेल एक्सपायर हो सकती है। ये देखें, अच्छा इसकी स्किन बाहर आ जाएगी, इस चीज़ से आपने टेंशन नहीं लेनी। ये देखें इसकी स्किन बाहर आ रही है, लेकिन आपने घबराना नहीं, आपने एहतियात के साथ अंडा निकालने की कोशिश करनी है। ऐसे ऐसे बाहर आएगा, ये देखें, ये मैंने बहुत एहतियात के साथ अंडा बाहर निकाल लिया। अब देखें इसकी स्किन बाहर आ गई, लेकिन इस चीज़ से आपने टेंशन नहीं लेनी। अब इस फीमेल की आपको मैं बाद में हालत दिखाऊंगा, इस कंडीशन ये इसका एग निकल आया और माशाल्लाह फीमेल अब हमारी एक्सपायर होने से बच जाएगी। ये तो इसको हम अब छोड़ देते हैं और थोड़ा सा और ऑयल ले लेते हैं। ये देखें, थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे, देखें इस ये स्किन आई बार, इस चीज़ से आपने टेंशन नहीं लेनी। अब इस फीमेल को मैं थोड़े दिन रेस्ट दूंगा, बस आपने इस चीज़ से बचाना कि आपका जो सा एग है वो अंदर ना टूटे। अगर आपका अंडा अंदर टूट गया तो समझे कि 95% चांस है कि आपकी फ़ीमेल एक्सपायर हो जाए, सिर्फ 10% चांस रह जाते हैं कि आपकी फ़ीमेल बचे। तो माशाल्लाह मुझे तो काफ़ी अर्सा हो गया तो इन चीज़ों का फेस करना पड़ता है, तो आपके साथ भी मैंने इस चीज़ को शेयर कर दिया। आगे आप अपने दोस्तों के साथ भी इस चीज़ को शेयर कीजिए, ताकि अगर किसी के साथ ये प्रॉब्लम आए, किसी फीमेल के साथ ऐसा हो। बेसिकली ये जो सी एग बाइंडिंग होती है, कैल्शियम विटामिन की कमी की वजह से होती है। तो इसकी इस फीमेल के साथ फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ, उसकी जो है वो क्या नाम लेते हैं बाइंडिंग होगी, तो तेज से सांस ले रही है, लेकिन अब साथ साथ इसकी हालत बेटर हो जाएगी और काफ़ी अच्छे से फील करेंगे। देखिए अब थोड़ी सी बेटर हो गई है, मुझे काटने को भी कर रही है, लेकिन इंशाल्लाह
दो से तीन दिन में ये बिल्कुल फिट हो जाएगी, और इस फीमेल को मैं 10 से 15 दिन रेस्ट दूंगा। फीमेल लेग नहीं करेगी, इसका मैं बॉक्स उतार दूंगा ताकि इजी रिलैक्स हो जाए, इसकी हार्ट कंडीशन बेहतर हो जाए। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। इस फीमेल को मुझे अंडा निकाले हुए तकरीबन आधा घंटा हो गया है, जो आपको मैं दिखाता हूँ। तो माशाल्लाह अब ये बेटर है, और ये ऐसा ऐसा बेटर हो जाएगी। 2 से 3 दिन लगेंगे इसको फुल कवर होने में, लेकिन जो पहले इसकी कंडीशन थी और अब एग निकालने के बाद उसमें और इसमें बहुत फ़र्क है। देखिए, अगर मैं इसके पास हाथ भी लेके जाऊंगा तो ये मुझे बाइट करेगी, बाइट करने की कोशिश करेगी। तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें एक मिनट, मैं इस खोलूँगा ना, मैं कैग खोल रहा हूँ। अच्छा, ये देखें ये थोड़ी सी अग्रेसिव फीमेल है, और माशाल्लाह काफ़ी बेटर हो गई है। थोड़ा सा अभी भी है इसमें, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता देखिए ना, अब एग बाइंड हुआ था, अब एक प्रॉब्लम आती है, वो आहिस्ता आहिस्ता कवर होती है। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द ये कवर हो जाएगी, और जब ये बिल्कुल कवर हो जाएगी, बिल्कुल ये साफ़ हो जाएगी, बिल्कुल अपनी अच्छी हालत में आ जाएगी, देन मैं आपके साथ फिर इसकी एक वीडियो शेयर करूँगा। तो दोस्तों, आपने एग बैंडी की वीडियो देखी है आज, उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो भी पसंद आई होगी। अच्छा, जब एग बैंडी हो जाए, अगर आपसे एग नहीं निकल रहा आपने, फिर ये ना हो कि आप ज़बरदस्ती एग निकालने की कोशिश करें, किसी एक्सपर्ट की हालत ले लें, या किसी वेंट्री डॉक्टर के पास चले जाएँ, वेंट्री किसी अच्छे स्पेशलिस्ट के पास। तो अब ये देखें, इसका पीछे मेल बैठा हुआ और ये फीमेल बैठी हुई है मेरी, आपको मैं फोकस करके दिखाता हूँ। इसमें कोई बड़ी मसले वाली बात नहीं, है कि एग फंस गया तो हमारी फीमेल एक्सपायर हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब ये माशाल्लाह मैंने एग निकाली है, ऐसा ऐसा इंशाल्लाह कवर हो जाएगी। अब इसे एक ड्रॉप मैं एंटीबायोटिक दे दूँगा, कोई भी आप भी जब हो तो एक ड्रॉप जो है वो एंटीबायोटिक दे दें, ताकि इंफेक्शन वगैरह से बच जाए, और जो इसकी पेन है वो कम हो। कोई भी पेन किलर का एक ड्रॉप दे दें ताकि इसको पेन में कमी हो। अभी इसको पेन हो रही है, ज़ाहिर बात है जब एग निकाला तो पेन तो होगी, तो इंशाल्लाह ये तो 1 से 2 दिन या 3 दिन ले लेगी, लेकिन इंशाल्लाह 3 दिन में बिल्कुल कवर हो जाएगी, परफेक्ट अपने उसमें आ जाएगा। मैं इसका बॉक्स उतार दूँगा और इसको 10 से 15 दिन रेस्ट दूँगा, फिर इंशाल्लाह देखेंगे, अगर सीज़न मूड हुआ तो ब्रीड लेंगे, नहीं तो इंशाल्लाह नेक्स्ट सीज़न। माशाल्लाह इसने पिछली दफ़ा के मैंने आपको शायद ब्रीड दिखाई हो इसकी, तो इसने अच्छी मुझे दी थी, 4 एग दिए थे और इसमें से 3 बच्चे निकले थे इसने, तो रिजल्ट इसका अच्छा आया था। देन अब इसने, इसके साथ ये फर्स्ट टाइम हुआ है एग बाइंडिंग वाला, तकरीबन 4 साल हो गए इस पेयर को मेरे पास है, और 4 सालों में ये फर्स्ट टाइम इसके साथ ऐसा हुआ है। तो कोई इसमें मसले वाली बात नहीं है, ये छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, इन चीज़ों से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि इस चीज़ को फेस करना चाहिए। इन चीज़ों को हम सीखेंगे तो आगे ही हम बढ़ पाएंगे, जितने भी बर्ड लवर हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी, अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, फ़ी अमानिल्लाह।